हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं निफ्टी बैंक की। तो हमने जो चर्चा की पहले निफ्टी 50 की, अब बात कर रहे हैं निफ्टी बैंक की। अब निफ्टी बैंक में भी 2% की गिरावट थी, 1077 पॉइंट की जो है कमजोरी हुई। लास्ट में कुछ थोड़ा सा जो इंट्राडे शॉर्ट पोजीशंस थी वो रिकवर होती हुई आई। अब यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है, अगर हम बात करें तो ये पैटर्न जो है कुछ इस तरीके से बनता हुआ नज़र आ सकता है। तो अभी भी अगर हम टेक्निकली देखें, मैं भी खाली डेटा की बात नहीं कर रहा, मैं टेक्निकली आपसे बात कर रहा हूँ। अगर मैं टेक्निकली बात करूँ आपसे, तो यहाँ पर जिस लेवल पर बाजार रुके हैं, इन लेवल के आसपास एक माइनर सपोर्ट थी, बट मेजर जो सपोर्ट आ रही है वो अब आएगी 51,000 पर, एग्जैक्टली 51,000 के ऊपर। तो जिस तरीके से बाजार ने इस एरिया को, जो 52,500 के आसपास का एरिया था, हम उम्मीद कर रहे थे कि रिस्पेक्ट देगी, बाजार ने कोई रिस्पेक्ट नहीं दी उसको। और सुबह जो है खुलते के साथ बाजार ने उन लेवल्स की इज्जत उतार दी। एक बार पुल बैक करने की कोशिश की, गैप डाउन हुआ और सीधा बाजार आज दिन भर मंदड़ियों की चपेट में था और सेलर्स बड़े एग्रेसिवली जो है सेल कर रहे थे। बट हमें यहाँ पे लगता है, क्योंकि पुराने लेवल से भी अगर हम देखें, जब इलेक्शन के आउटकम्स आए थे वहाँ से भी अगर हम कंपेयर करें, तो भी जो हाईस थे वहाँ पर जो एग्जिट पोल वाली जो आउटकम आए थे उस दिन, उसके बाद जो बाजार में जो सेल ऑफ हुआ था, उसके बाद जो रिकवरी हुई थी, उन सब लेवल्स को अगर हम कंसिडर करें तो 51,000 पर एक स्पोर्ट बढ़िया वाली बनती है। लेकिन अगर हम पिछले महीने में चले जाएं, सितंबर से पहले अक्टूबर में, तो एक बेस जो था वो 50,000 के आसपास था, और वो बेस पहले भी था इधर भी। तो अल्टीमेटली, क्योंकि 50,000 के आसपास के हाईस पहले भी थे, तो 50,000 एग्जैक्टली 50,000 49,800 एक ऐसा लेवल है वो जो शायद इस पूरे महीने के लिए होल्ड हो सकता है। तो ये एक अच्छे चांसेस हैं। बट बाजारों के अंदर जिस तरीके से सेल ऑफ हुआ है, वो एफआईज की डेटा को अगर हम देखें, तो शायद अब रिकवरी करने में टाइम लगेगा। जैसी हर बार रिकवरी हो जाती है, वैसी रिकवरी नहीं है, क्योंकि इस बार जो सेलिंग है, हर बार तो देखिएगा एक ट्रेडिंग सेल होता था, अब की बार ऐसा महसूस हो रहा है कि जो एफआईआईज की इन्वेस्टर कम्युनिटी है उसकी सेल ऑफ आ रहा है। यानी कि जो एफआईआईज के अंदर जो कम्युनिटी है जो ट्रेड करती है, वो एक्टिव नहीं है इस बार। इस बार ऐसा प्रतीत होता है कि जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है एफआईआईज के अंदर, वो सेल ऑफ कर रही है। जबकि हर बार तो क्या होता था, वो ट्रेडिंग मूव्स होते थे अगर हम यहाँ देखें, फिर वो बदल कर आ जाते थे। बट आज का जो वॉल्यूम देख के लगा, लेकिन एक या दो दिन हमें आप समय दीजिएगा, तो जिससे बाजार के जो एक्शन होंगे उसके बाद थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी। बट एक इमीडिएट सपोर्ट तो बन रही है। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI, कोटक, SBI कुछ नहीं छोड़ा आज, और SBI ने ही थोड़ा सहारा दिया, बाकी तो सारे HDFC, एक्सिस, ICICI और कोटक महिंद्रा बैंक में तो बहुत सेल ऑफ था। और हम उम्मीद भी कर रहे थे कि भाई ये बाजार जो है यहाँ पे बहुत महंगी वैल्यूशंस पर है, सस्टेन नहीं करेगा। FIs को जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो निकल जाएंगे, और FIs ही निकल रहे हैं आज। आप FIs की सेल ऑफ देखेंगे ना, मतलब ये जिस दिन रेट ऑफ इंटरेस्ट काटा था ना, उस दिन जो बाइंग थी ना, वो तकरीबन 15,000 करोड़ की थी। आज 15,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग है, लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है, DIs की आज तकरीबन 13,000 करोड़ के आसपास की बाइंग है। और आप ये देखिए कि 13,000 करोड़ के आसपास की बाइंग के सामने 15,000 करोड़ की सेलिंग को ऑब्जर्व नहीं कर पाई DIs, क्योंकि बाजार का सेंटीमेंट खराब कर दिया। तो जो सेंटीमेंट के साथ सेलिंग है, दूसरा देखेंगे आप, FIs ने महीना शुरू यानी 10,000 करोड़ के भाई साहब इंडेक्स फ्यूचर शोर पर बैठा दिया, वो छोड़िए 6,500 करोड़ के भाई साहब स्टॉक फ्यूचर्स भी छोड़ बढ़ा रही है। उसके बाद भी जो ऑप्शन बेचते हैं, तो देखिएगा पुट ऑप्शन बेचने में डिस्काउंट हो जाता है अगर इन द मनी बेचेंगे, तो यहाँ पर भी एक अच्छी खासी कॉल रेटिंग है। तो कुल मिलाकर FIs का डेटा अगर हम पूरा देखें, ओवरऑल FIs का डेटा बहुत ही ज़्यादा वीक है। अगर हम पिछले महीने की बात करें, तो जिस तरीके से इसका रिवर्स डेटा था मजबूत वाला, उसके बाद 2-3 दिन बाजार बड़ा तेज था, गिरने नहीं दिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके का डाटा है, बाजार अगले 2-3 दिन चढ़ने नहीं देगा। तो मुझे वैसे निफ्टी बैंक में लग रहा है कि 51,300, वैसे तो 51,000 की है सपोर्ट, लेकिन 51,300 शायद कल टेस्ट हो सकता है, और उसके आसपास एक सपोर्ट मिलनी चाहिए। अब अगर हम इंडिया विक्स की बात करें, तो वो भी आज बढ़ गया और तकरीबन 7-8% की तेजी थी। उसके बाद निफ्टी की पुट कॉल रेशो 0.74 है, तो ये है तो ओवरसोल्ड, लेकिन अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि हैवीली ओवरसोल्ड नहीं है, तो अभी थोड़ी सी गुंजाइश बनती है अभी।
और बैंक निफ्टी 0.6383, तो ये हालांकि थोड़ा सा ओवरसोल्ड थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हो सकता है कि बाजार की करेक्शन के बाद, बाजार खुलने के बाद सुबह एक नीचे जाने के बाद एक इंट्राडे मूव जरूर दें, वो हो सकता है सस्टेन करे ना करे, बट बाजार मुझे लग रहा है कि अगर बाजार सुबह खुलते हैं और एक बार नीचे घुसते हैं तो बाजार के एक बार रिकवरी करने की एक प्रबल संभावना जरूर बन रही है। उसके बाद डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 166 पॉइंट और $76 पे ब्रांड कूड़ा गया। ऑप्शन चेन के डेटा ना बहुत बार ऐसे आपको देखने के लिए मिलेंगे, इतनी अच्छी सेलिंग होने के बावजूद भाई साहब कॉल राइटर नज़दीक आके माल नहीं बेचना चाह रहे, कॉल राइटर 200 पॉइंट दूर खड़े हैं, यानी कि उनको लगता है भाई वोलेटिलिटी आएगी एकदम कॉल राइटर ट्रैप ना हो जाए, तो कॉल राइटर नज़दीक आके राइटिंग ही नहीं कर रहा, यानी कि मंदी करने वाले कॉन्फिडेंट तो हैं लेकिन इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि नज़दीक आके जो है ऑप्शन बेच दें। और सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी वैसा ही है, तो 52,000 पे थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग है, तो पुट राइटर भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, कॉल राइटर भी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, तो लोग अपनी पोजीशन से भी थोड़ा सा देख रहे हैं समझ रहे हैं, और जो ऑप्शन हैं वो दूर दूर की बिक्री हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि शायद बाजार कल एक सुबह अगर डिप देता है तो वहाँ से संभल के थोड़ा सा ऊपर आए और साइडवेज होने की संभावना, मतलब डिप जो है एक इंट्राडे मूव देने की कोशिश करेगी ऊपर की तरफ, फिर मुझे लगता नहीं ऊपर भी संभलेगा, बट ऊपर एक साइडवेज होने की बहुत अच्छी संभावना है। मान लीजिए अगर निफ्टी 200 पॉइंट नीचे चला जाता है तो फिर वहां से, या 300 पॉइंट नीचे चला जाता है वहां से रिकवरी करता है 150-200 पॉइंट, और फिर उसी के इर्द गिर्द एक दायरे में घूमता रहे, इस बात की संभावना है। और सिमिलरली मेरा बैंक निफ्टी पे भी सिमिलर व्यू। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही, वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद, लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो सेल ऑफ है ये इसराइल ईरान के युद्ध की वजह से है, मुझे लगता है कि उसकी संभावना मुझे कम लग रही है, वो भी एक चिंता है, और वो अगर बढ़ती है तो वो भी एक चिंता है, उसको आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे। लेकिन जो सेबी वाली खबर है कि भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है सेबी वाली से ज़्यादा कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि जहाँ भाई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहाँ पैसा बनने की संभावना ज़्यादा होगी, हर व्यक्ति वहाँ पर अपना पैसा पार्क करना चाहेगा। और चाइना में देखिए क्लैरिटी नहीं थी, चाइना में ना सरकार की तरफ से क्लैरिटी थी, ना बिजनेस की क्लैरिटी थी, ना पॉलिसी की ज़्यादा क्लैरिटी थी, अब जो चीज़ें इतनी क्लियर होने लगी हैं, बेल आउट पैकेज आ गया बैंकों के लिए, अभी एक फिस्कल पैकेज और जो है चाइना में आने की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो रुझान हुआ है FIs का पॉजिटिव, वो जो मनी है वो वहाँ पार्क हो रही है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने की वजह से उम्मीद कर रहे थे कि भाई इंडिया के बाजारों में पैसा आएगा, तो उसमें भी एक संभावना है कि वो पैसा शायद चाइना की तरफ मूव करे, और मुझे लगता है कि आज के बाजारों का मुख्य कारण गिरने का यही था। तो आज की इस वीडियो में बस केवल वीडियो देखने धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अलग मत हो सकते हैं, अगर हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।